यहां पर सामने आ गई। आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। तो इस खबर पर लगातार हम लोग आप अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी से कृष्णलाल पवार ने दर्ज की है जीत, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा भी जीते हैं। रिकाउंटिंग के बाद कार्तिकेय शर्मा की जीत निश्चित हुई है। तो इस वक्त की यह बेहद बड़ी जानकारी है, कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हार मिली है। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार माकन को मिले थे 30 वोट, ऐसे में कांग्रेस के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। तो क्रॉस वोटिंग का जो डर लगातार कांग्रेस को सता रहा था, उसी के चलते भारी नुकसान हुआ, कांग्रेस के एक विधायक का वोट रद्द हुआ। तो इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी है, कांग्रेस के 29 वोट ही काउंट किए गए हैं। तो देखिए, एक क्रॉस वोटिंग में गया है और दूसरा वोट रद्द किया गया है। 2,934 वोट जीत के लिए चाहिए थे। आपको बता दें कि कार्तिकेय शर्मा को 2,966 वोट मिले हैं, जिसके आधार पर कार्तिकेय शर्मा जीते हैं। अजय माकन को सिर्फ 2,900 वोट मिले हैं, 66 वोट कृष्णलाल पवार के कार्तिकेय शर्मा को ट्रांसफर हुए हैं, जिसके बाद कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा चुनाव जीते हैं। इस आधार पर कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई है। तो आपको बता दें कि एक कांग्रेस का वोट जो क्रॉस वोटिंग में गया, दूसरा वोट रद्द किया गया है, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ 29 वोट ही मिल पाए थे अजय माकन को। ऐसे में ये बड़ी जानकारी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई दी है, कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा को मुख्यमंत्री ने खुद मिठाई खिलाई है और कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है, तो सबने अपनी अंतरात्मा से वोट दिए हैं। नागरिक चाहता है कि हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे बढ़े और सबकी निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और राज्यसभा एक ऐसा है जिसमें कोई भी कानून पास करना है तो राज्यसभा में पास नहीं होगा तो नीचे लोग हमारा जो सदन है उसमें पास नहीं होगा। इसलिए जो कार्तिक शर्मा भी जीते हैं, मैं उन सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से उनको वोट देकर जिताया। और मैं पार्टी के 40 जो मेरे बीजेपी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री का और धनखड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने कृष्णलाल पवार को सुना, जहाँ पर खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी उन्होंने धन्यवाद किया है, लेकिन अजय माकन की जो हार हुई है उससे कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। एक क्रॉस वोटिंग का एक वोट शिकार हुआ, दूसरा वोट की बात करते हैं तो रद्द कर दिया गया है। अजय माकन को 2,900 वोट मिले हैं और कार्तिकेय शर्मा को 2,966 वोट मिले हैं। पवार के 66 वोट कार्तिकेय शर्मा को ट्रांसफर हुए हैं, इसके आधार पर कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई है। रिकाउंटिंग हुई है, रात देर रात रिकाउंटिंग हुई, उसके बाद यह फैसला यहां पर आया है। करीब 2:30 बजे के बाद यह फैसला सामने आया है। तो इस वक्त की यह बेहद बड़ी जानकारी है। सीएम मनोहर लाल ने जीत की बधाई भी दी है कार्तिकेय शर्मा और कृष्णलाल पवार को मिठाई भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाई है। तो पवार और कार्तिक को जीत की बधाई मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि वोट देने वाले विधायकों का धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं और साथ ही साथ ये लोकतंत्र की जीत है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुलदीप बिश्नोई का भी धन्यवाद किया है। तो सबने अपनी अंतरात्मा से वोट दिए हैं, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। लेकिन जिस बात का डर लगातार कांग्रेस को सता रहा था, क्रॉस वोटिंग का, आखिरकार उसी की वजह से कांग्रेस हार का शिकार हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि पूरी तैयारी कांग्रेस की तरफ से बीते कई दिनों से की जा रही थी। सभी विधायकों को रायपुर ले जाया गया था, वहां पर होटल में रखा गया था, उसके बाद दिल्ली लाया गया, फिर चंडीगढ़ ले जाया गया, किसी से भी संवाद नहीं होने दिया, क्योंकि पूरा भय कांग्रेस को था कि क्रॉस वोटिंग होगी और वही हुई, जिसकी बदौलत कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन यहां पर हार गए। तो ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा को 2,966 वोट मिले हैं, तो वहीं अजय माकन को 2,900 वोट मिले थे, कृष्णलाल पवार के 66 वोट ट्रांसफर हुए, जिसके बाद संख्या कार्तिकेय शर्मा की वोटों की 2,966 हो गई। इस आधार पर कार्तिकेय शर्मा जीत गए हैं। साथ ही साथ बीजेपी का रास्ता पहले से ही साफ था, निर्दलीय उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार में कांटे की टक्कर थी। देर रात ये फैसला आया है, सीएम मनोहर लाल ने जीत की बधाई दोनों प्रत्याशियों को दी है। ऐसे में आपको बता दें कि पवार और कार्तिकेय को जीत की बधाई मुख्यमंत्री ने दी है और साथ ही साथ कुलदीप बिश्नोई का भी धन्यवाद किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। वोट देने वाले विधायकों को बधाई देता हूं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से एक क्रॉस वोटिंग हुई और दूसरा वोट रद्द हुआ है, जिसके बाद 29 ही वोट
अजय माकन को मिल पाए थे और ऐसे में सबने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया है। मुख्यमंत्री इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से तमाम बातें कही गई थी और ऐसे में बलराज कुंडू की तरफ से हिस्सा नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे लालच दिया गया था पैसों का, मैं किसी की पक्ष में नहीं जाऊंगा। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ बन गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से लगातार एक बेहतर प्रदर्शन सबकी तरफ से किया गया था, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी फूट है और क्रॉस वोटिंग का डर जो सता रहा था, आखिरकार वो ही ले डूबा? देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस का जैसे ही एक मतलब जो है काउंट नहीं होता है, उसके बाद जो है ये पूरा राज्यसभा चुनाव पलटता हुआ नजर हो गया। एक बार को ये खबर आई अंदर से निकलकर कांग्रेस के हवाले से ही कि अजय माकन की जीत हो गई है, सब लोगों ने अजय माकन को बधाई दे दी, लेकिन फिर जब वास्तविक वोटिंग के नतीजे निकलकर सामने आए तो ये सब चीजें धरी की धरी कहीं ना कहीं रह गई। और जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उससे जो निर्दलीय प्रत्याशी थे कार्तिकेय, वो आज जो है जीतते हुए नजर आए। यानी बेहतर मैनेजमेंट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहा जा सकता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आया। और इसी के चलते हमने देखा कि जो कृष्णलाल पवार थे उनके जो वोट थे वो जिस तरीके से एंड में कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में पड़ते हुए नजर आए, उसने सारा खेल जो है अजय माकन का बिगाड़ दिया। और कार्तिकेय शर्मा हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए नव निर्वाचित सांसद जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे। इस बीच हमने ये भी देखा कि कल देर रात लगभग 4 बजे तक ये सारी चीजें जो है चलती हुई नजर आई। काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। बीच में जो है तमाम पार्टियां इलेक्शन कमीशन पहुंच गई, वहां पर शिकायत, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार जीत हुई तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम जो दोनों सांसद जो है नवनिर्वाचित हैं उनसे जो है बातचीत की, उनको मिठाई खिलाकर बधाई दी। और जनता टीवी से भी एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि जो जीत है वो कहीं ना कहीं जो है काफी महत्वपूर्ण है और बीजेपी के प्रबंधन से ज्यादा ये जीत जो है कांग्रेस की हार दिखाती हुई जो है नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस में बगावती तेवर लगातार देखने को मिल रहे थे और कुलदीप बिश्नोई ने अब सबके सामने भी ये चीज जाहिर कर दी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर वो चाहे तो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने बेहद बड़ा ये बयान दिया कि कुलदीप बिश्नोई ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और कुलदीप बिश्नोई लगातार जिस तरीके से ये कह रहे थे कि मैं अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालकर जो है आया हूँ, तो ऐसे में वो फायदा कहीं ना कहीं जो है कार्तिकेय शर्मा को जो है देता हुआ नजर आया। और अब आगे आने वाले समय में क्या होगा कुलदीप बिश्नोई की राजनीति का, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई लगातार राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए कह रहे थे और इस बीच ये हुआ कि उनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ कैंसिल हो गई। तो ये अब जो जो दावे हैं वो जो बीजेपी खेमा है वहां की तरफ से बड़े बड़े जो है किए जाएंगे, लेकिन इंतजार कुलदीप बिश्नोई की राजनीति का भी होगा कि कुलदीप बिश्नोई आखिरकार अब आने वाले समय में किस तरीके के जो निर्णय है वो आज जो है लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन देर रात हमने देखा था कि कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई, उनकी तरफ से जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ कि अब कार्तिकेय शर्मा जीत गए हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, एक शेर लिखा गया कि हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस की नैया डुबाने का काम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आया कि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई का वोट जो है वो कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में जो है पड़ता हुआ नजर आया। इसकी पुष्टि भी जो है सीएम जनता टीवी से खास बातचीत में करते हुए भी जो है नजर आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए इस पर जिस तरीके से कांग्रेस के पास उम्मीदवार, अगर उन विधायकों की बात करते हैं तो 31 थे, लेकिन उसके बावजूद भी अंदरूनी फूट की वजह से ये सब चीजें देखने को मिली हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर बात करते हैं तो एक गलत मैसेज कांग्रेस की तरफ से जा रहा है कि विधायकों में ही एकता नहीं है। देखिए, ये सारा खेल जो रहा वो कुछ पॉइंट का रहा, यानी 0.66 वोट जो है किस तरीके से ज्यादा कार्तिकेय शर्मा को पड़ती हुई नजर आई, ये बेहतर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं देखने को जो है मिलता हुआ नजर आया। इसमें निश्चित तौर पर गलतियां कांग्रेस की रही कि कांग्रेस अपने तमाम विधायकों को जो है संभाल नहीं पाई, कांग्रेस की तरफ से दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वोटिंग शुरू होने से पहले ही जो है बड़े बड़े दावे कर रहे थे, 35 विधायकों का समर्थन है, 34 विधायकों का समर्थन है, और ये सारे दावे जो है कहीं ना कहीं धरे तो के धरे देखने को मिलते हुए नजर आए।
ऐसे में नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, उनको समझना चाहिए कि जब आपके पास विधायकों की संख्या पूरी नहीं है तो आप इस तरीके से वादे कैसे करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अपनी टीम को संभालिए, नए नए प्रदेश अध्यक्ष जो है उदयभान बने हैं और उसके बाद ये तमाम वादे या जो किए जाते हैं वो जो है अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो है वो करते। लेकिन जो जो कहावत है कि जो ज्यादा जो है बचते हुए जो है नजर आ रहे थे, तो ऐसे में ये सब चीजें कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को ले डूबती हुई जो है नजर आए, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक कह रहे थे कि हमने दूसरे खेमे से जो है बातें कर ली है, बलराज कुंभू ने वोट नहीं डाला, बलराज कुंभू को भी मनाने की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से की गई थी। ऐसे में तमाम चीजें कांग्रेस की तरफ से की गई थी, लेकिन फिर एंड में जो बेहतर प्रबंधन था वो बिल्कुल लेकिन स्पर्श मैं आपको एक जान एक चीज और साझा करूंगा। कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही में एक ट्वीट किया है और लिखा है, आज सुबह की बात है, अब से कुछ देर पहले की, फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते, सुप्रभात। तो देखिए कहीं ना कहीं तंज भी कसा जा रहा है उनके द्वारा। देखिए बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई लगातार सुबह सुबह जो मैं इनको फॉलो करता हूँ वो एक मोटिवेशनल ट्वीट जो है करते हुए जो है नजर आते हैं और इस मोटिवेशनल ट्वीट में कहीं ना कहीं तंज भी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है कि जो उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी वो अब कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को लेकर डुबाती भी जो है नजर आ रही है। और कांग्रेस के लिए पहली बड़ी चुनौती हरियाणा के संदर्भ में देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे थे कि कांग्रेस का जो असली टेस्ट है वो राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलता है जो है नजर आएगा। ऐसे में जो नई टीम थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड गुट की, उसकी अग्नि परीक्षा थी, लेकिन फिलहाल जो परीक्षा है उसमें कहीं ना कहीं फेल होते हुए तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।